जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार विस्तार। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर SGM सुरेश यादव ने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं की बैठक ली और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मस्जिदों के स्थान पर अपने अपने घरों पर रहते हुए नमाज अदा करने की अपील की। इस अवसर पर उपाधीक्षक सरोज माल ने मुस्लिम उलेमाओं से समाज में कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता लाने की अपील की। कोतवाली थानाधिकारी प्रभाती लाल ने कहा कि गली मोहल्लों में बैठकर भीड़ इकट्ठी करने वालों को रोकना भी समाज के मुखियाओं की जिम्मेदारी है। बैठक में शहर इमाम हाफिज शफी जमीयत, उलेमा ए हिंद के सदर हाफिज बाबुद्दीन, मुफ्ती जाहिद, मुफ्ती सद्दाम, मुफ्ती अब्दुल हमीद, हाफिज सईद अहमद, हाफिज नसरुद्दीन, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज हाशिम, हाजी अब्दुल कदीर, नगर परिषद उपसभापति नफीस अहमद सईद कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। प्रशासन को आश्वस्त करते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के जिला खजांची हाफिज अब्दुल रहमान ने बताया कि केवल कुछ लोगों द्वारा मस्जिदें आबाद रखते हुए आमजन से अपने अपने घरों पर नमाज अदा करने की अपील आज ईशा की नमाज के बाद आयोजित होगी। हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।